बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन पे, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक करते खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। इस नगनाक साथ करते आज का व्लॉग स्टार्ट। तो शाम का वक्त है और जो घर के काम काज कर रहे हैं, तो अभी जो घर के काम काज कर रहे हैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें हमारे बर्तन पड़े हुए हैं और जो है मंजे वगैरह हमने निकाल लिए, बर्तन धो लिए, सफाई सारी कर ली। ये देखें हमने जो पानी भी यहाँ पर फेंका था, ये देखें। तो माशाल्लाह से हमारे घर के काम जो हो रहे हैं और जो आसमान में बादल छाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा घुटन है, बहुत ज़्यादा घुटन। देखे आसमान में बादल छाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं। तो सारा दिन इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, देख रहे हैं आप लोग कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही। तो बहुत ही ज़्यादा घुटन हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन, क्या करें हम लोग, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। और एक खौफनाक बात आपको बताते हैं, अफसोसनाक, कि आज सुबह के टाइम ना हम जब नींद से उठे ना, तो कोई डोगी आया था बाहर से, पता नहीं किसका डोगी आया था हमारा ना, इतना बड़ा बड़ा मुर्गा था, वो ले गया है। बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा हम तो सारा दिन परेशान थे, सारा दिन क्या करें, बस हमारा ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इतना इधर माशाल्लाह से इतना प्यारा था, इतना खूबसूरत था हमारा मुर्गा, वो जो डोगी बाहर से ले गया, बाहर चले गए थे, हमने जब दरवाज़ा खोला तो बाहर चले गए, तो वो डोगी ले गया। बस बहुत मजबूर और परेशान थे सारा दिन कि हम क्या करेंगे। बहुत अच्छा हमारा मुर्गा था, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत था। तो देखें माशाल्लाह से बादल भी छाए हुए हैं लेकिन जो है ना हवा वगैरह नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा घुटन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश भी नहीं हो रही। काफ़ी दिनों से बादल छा रहे हैं लेकिन गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बारिश भी नहीं हो रही। तो देखें माशाल्लाह से हमारी मुर्गियाँ भी यहाँ पर है, देखें भैंस को जो चारा वगैरह भी डाल दिया है, माशाल्लाह से भैंस जो अभी चारा खा रही है, शाम का टाइम है, तो ये चारा खाएगी तो फिर इससे जो इसका जो दूध निकालेंगे। और जो बकरियाँ माशाल्लाह से चारा खा रही हैं, बकरों के लिए घास जो भी कर आना है, ये मैंने तूड़ी डाली है बकरी को, देखें। तो ये रही तूड़ी, बकरी खा रही है माशाल्लाह से। और जो बछड़ा भी जो खा रहा था लेकिन जो इसके पास कम हो गई है, तो अभी जो इसको दे देती हूँ फिर से। और जो दूसरी बकरियाँ जो है मेरी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, देखिए यहाँ पर खड़ी हुई हैं, अभी इनको मैंने पानी पिला दिया है, देखिए नीचे पानी गिरा हुआ है, मैंने पानी इनको पिला दिया है। तो अभी जो थोड़ी देर के बाद जो जाकर ना घास करके आऊँगी, तो क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा जो है ना दिन ठंडा हो जाए तो फिर। अच्छा जी, आज कैमरा मैन मैं खुद बनी हूँ और जो आज सदाम मेरे पास नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से वो जो मजदूरी पर गए हैं, मजदूरी भी करनी होती है, इसलिए जो ब्लॉग भी कुछ कम बना रहे हैं। बस मजबूरी है कि जो है हमें मजबूरी करनी पड़ रही है, और जैसे हम वहाँ पर चले जाते हैं फिर मैं जो है ना अकेली पड़ जाती हूँ, फिर कैसे मैं व्लॉग बनाऊँ। आज ये थोड़ी मुश्किल हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। और अभी जो मुनीजा को देखे, मुनीजा से मिले, माशाल्लाह से मुनीजा कैसे खेल रही है। मुनीजा हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग अंकल जी, आंटी जी, माशाल्लाह 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 कैसे खेल रही है। और मुनीजा के लिए उसके पापा जो है ना खिलौना लेकर आए थे, ये देखिए माशाल्लाह से। ओहो क्या कर रही हो, खेल रही हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अंकल आंटी को कहो, अंकल आंटी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़, हम आपसे उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। ओहो हो माशाल्लाह माशाल्लाह, तेरी गुड़िया तो खेल रही माशाल्लाह से। अच्छा जी, तो माशाल्लाह से अभी जो है मैं घास करने के लिए आई हूँ, क्योंकि सदाम जो है मजदूर पे गए माशाल्लाह से आज। और आज जो मैं आपको हरा हरा सा मौसम दिखाऊंगी, हरा हरा सा यहाँ की खूबसूरती सारी सारी दिखाऊंगी, लेकिन गर्मी ना बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सारा दिन गर्मी थी। अभी जो मुनीजा सो गई तो मैं जो घास करने के लिए आई, ये देखें, ये जो मैं घास करूँगी यहाँ से, ये जो घास करूँगी और जो आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखाती हूँ और जो माहौल दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हरियाली हरियाली छाई हुई है, ये है कपास की फसल और ये है हमारा घास, देखें। ये जो मैं अभी घास करके जाऊंगी, फिर जब बकरियों को डालूंगी, बकरियां जो मैं बाहर बंद के आई हूँ, तो चले अभी जो है जल्दी जल्दी से घास कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जो गर्मी है, मुझे ना सांस भी चढ़ रही है इसलिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बादल छाया दिखाती हूँ आपको, बादल छाए हैं लेकिन जो है ना
बारिश नहीं हो रही, बहुत ही ज़्यादा जो बादल छा जाते हैं। कभी कभी तो इतने ज़्यादा बादल हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे बारिश होने लगी है, लेकिन बारिश नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और अभी भी जो धूप भी है, बादल भी हैं, लेकिन जो बारिश नहीं हो रही। तो चलें जल्दी जल्दी से घास कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अभी मैंने घास कर लिया है, ये देखें ये पड़ा है मेरा घास। तभी जो मैं घास करके जा रही हूँ घर पर, बकरियों को डालूंगी, फिर जो उसके बाद जो है खाने की तैयारी करेंगे। लेकिन आज जो है सालन नहीं बनाना, आज है हमारे पास आम है। माशाल्लाह से आम जो है सदाम को मजदूरी लगी थी, कल जो मजदूरी थी लगी थी ना, उससे जो है सदाम आम लेकर आए थे। तो माशाल्लाह से आज जो है हम आम खाएँगे, और जो है सालन नहीं बनाना आज, तो थोड़ी देर के बाद जो है रोटी बना लूँगी। तो अभी जो है घास करके बकरियों के लिए और जो है घर जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस यहाँ पर तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो अभी जो है कह रही कि जल्दी जल्दी से घर जाऊँ। अच्छा जी, तो अभी जो है बकरियों को घास डाल दिया है। माशाल्लाह से बकरियां जो है घास खा चुकी है, अभी थोड़ा सा बच गया है, घास खा रही है अभी। और जो है शाम का वक्त हो गया, सूरज ग्रुप हो रहा है, देखिए सूरज भी ग्रुप हो गया है, और जो है ना बादल भी छा गए इस तरफ से, देखें कितना जो है काले काले बादल छा गए हैं। तो अभी जो जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं, क्योंकि बादल छा गए, क्या पता कि बारिश हो जाए। दुआ करेंगे अल्लाह ताला जो है बारिश ना भेजे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो परेशानी होगी हमें, हमारे पास तो किचन वगैरह भी नहीं है। तो अभी जो है जल्दी जल्दी से मैं कह रही हूँ कि खाना बना लो रात का, लेकिन मुन्नीजा जो है अभी उठ गई है। चलो मुन्नीजा को मिलवा देती हूँ। तो माशाल्लाह से मुन्नीजा ने नहा के कपड़े वही पहने, तो अभी जो है नहा लिया मुन्नीजा ने माशाल्लाह से, और जो मैंने आटा वगैरह निकाल के रख लिया है। लेकिन अभी जान जो भैंस का दूध निकालनी है, तो वो जो वहाँ पर मसरूफ़ है, वो फारिक होंगी, तो फिर जैसे उठा लेंगी, तो फिर जो मैं खाना बना लूँगी। तो अब जो शाम का वक्त हो गया, हमें दे इजाज़त। ये था हमारा आज का व्लॉग, अगले व्लॉग को ले दे इजाज़त। अभी तक अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़।